Hey guys, this is Neelam. Welcome back to my channel. आंखें हमारे फेस के सबसे एक्सप्रेसिव फीचर्स में से एक होता है जो कि सब कुछ बयां करता है, चाहे वो थकान हो, गुस्सा हो, बीमारी हो, खुशी हो, सब कुछ हमारी आंखें बयां कर देती हैं। बट इस भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा असर हमारी आंखों पर देखने को मिलता है, जिसका ये परिणाम होता है कि हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, पफनेस आ जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि थकान, स्ट्रेस, प्रॉपर नींद ना लेना, ज़्यादातर स्क्रीन का यूज़ करना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, प्रॉपर डाइट ना लेना और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपकी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो गए हैं, पफनेस आ गई है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से घरेलू टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको अपनाकर आप इन डार्क सर्कल्स और पफनेस से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बर्फ से मसाज करना। ये बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि बर्फ हर किसी के घर में होती ही है। इसके लिए आप एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, एक टॉवल ले लीजिए, बर्फ को टॉवल के अंदर रख के उससे आप 10 से 15 मिनट तक अपने डार्क सर्कल पर मसाज कीजिए। आप डायरेक्ट बर्फ से भी मसाज कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द डार्क सर्कल और आंखों की पफनेस से निजात पा लेंगे। सेकेंड तरीका है आलू का जूस। ये भी बहुत सिंपल तरीका है क्योंकि आलू भी हर किसी के घर में होते ही हैं। इसके लिए एक आलू को आप कद्दूकस कर लीजिए और उसका रस हाथों से निचोड़ लीजिए। इसमें आप आधा चम्मच बेसन मिलाइए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो आप इसको अपने डार्क सर्कल पर लगाइए। 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए, फिर इसको हल्के हाथों से पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए। इसको भी अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप बहुत जल्दी डार्क सर्कल से और पफनेस से छुटकारा पा लेंगे। नेक्स्ट है खीरे को अपनी आंखों पे, जहाँ पे डार्क सर्कल हो रहे हैं वहाँ पर लगाना। खीरे का स्लाइस काट लीजिए और उसको जहाँ पर आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं आंखों के नीचे, वहाँ पे आप इसको लगाइए। 10 से 15 मिनट तक आपको लगाए रखना है, उसके बाद आंखों को आपको पानी से वॉश कर लेना है। तो इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। नेक्स्ट है आप आलमंड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आलमंड क्रीम आपको लेनी है और अपने डार्क सर्कल पर इसको लगाना है। 10 से 15 मिनट तक इसको लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप गीले कॉटन से इसको साफ कर लीजिए। इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आपके पास में आलमंड क्रीम नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। आलमंड ऑयल ले लीजिए और अपनी फिंगर की हेल्प से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद आपको गीले कॉटन से इसको साफ कर लेना है। तो आप अगर इसको एक हफ्ते तक करते हैं तो काफ़ी हद तक आप डार्क सर्कल और पफनेस से छुटकारा पा सकते हैं। तो जितने भी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, इसमें से आप कोई भी एक टिप यूज़ करते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप अपने डार्क सर्कल एंड पफनेस से छुटकारा पा लोगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।